अस्सलाम वालेकुम मैं हूं हनाजिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दावत ख़ास जहां पर हम बनाते हैं आपके रोज़ के खाने को मज़ीद लजीज और दावतों जैसा ख़ास तो जैसे आप देख रहे हैं आज हम बनाने जा रहे हैं एक रिक्वेस्टेड रेसिपी दैट इज़ बटर चिकन यस ईजी एंड रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन तो इसके लिए हम लोगों ने बोनलेस चिकन ले लिया है उसको क्यूब्स में कट कर दिया है मीडियम साइज क्यूब्स और इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट दही दही इम्पॉर्टेंट है प्लीज़ डोंट स्किप दही उसके बाद हम इसे सॉल्ट डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर ब्लैक पेपर एंड ऑलिव ऑयल डालेंगे इसमें ना ऑलिव ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है अगर सरसों का तेल है दैट इज मस्टर्ड ऑयल तो आप मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए और अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो आप बेशक सनफ्लावर ऑयल डाल दीजिए दैट इज़ गुड इनाफ और थोड़ा सा एक कहिए आधा लेमन निचोड़ लेंगे इसमें और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके हाफ़ एन आवर के लिए मैरिनेट कर देंगे हाफ़ एन आवर टू वन आवर इज़ गुड अब इसके बाद मैंने अपना ग्रिल पैन जो है वो गर्म करने रख दिया है इसमें हम डालेंगे तेल और इसे जो है से हाई फ्लेम पर हम इसे कुक कर लेंगे फ्लेम जो है बहुत लो नहीं रखेंगे ज़्यादा चिकन के जो जूसेस हैं उसको ज़्यादा धीमे धीमे पकाएंगे तो चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगी सो ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा हाई फ्लेम पर ही चिकन को फटाफट बना लीजिए एंड मैरिनेटेड होती है तो बहुत जल्दी से गल जाती है ना आप ये बटर चिकन की रेसिपी बहुत ही ईजी है आई थिंक ईजीएसट रेसिपी है बटर चिकन की बहुत ही आसानी से बन जाएगी एंड टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आप यकीन मानिए आप रेस्टोरेंट जाकर बटर चिकन ऑर्डर करना तो छोड़ देंगे बिकॉज़ अगली बार से अगर आपकी ये रेसिपी इनशाला अच्छी उतर गई तो आप घर में ही बटर चिकन बनाएंगे और बार बार बनाएंगे बिकॉज आपके बच्चे और घर के बाकी लोग तो ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे आपसे ये बनाने के लिए बहुत ही अच्छी पकती है ना हमारी जो बोनलेस चिकन है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है देखिए थोड़ी सी जो थोड़ी सी चार हो जाती है थोड़ी सी जो ब्राउनिंग आ जाती है उसमें उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका और नेक्स्ट देखिए इन्ग्रीडियंट्स तो आप देख ही सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स uh, नहीं है इसमें बहुत ईजिली पक जाएगी तो हम शुरू करते हैं uh, मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें पहले थोड़ा तेल डालूंगी तेल हम पहले स्टार्टिंग में इसलिए डालते हैं ताकि uh, गर्म पैन में बटर डालते ही वो बर्ड ना होने लगे सो so, थोड़ा सा तेल और उसके बाद बटर अभी बटर चिकन है तो बटर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा क्योंकि बटर एंड क्रीम ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से ही हमारी ग्रेवी जो है वो सिल्की और स्मूथ सी लगती है ना इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा एंड आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि इसमें और कोई खड़े गर्म मसाले या ऐसी और कोई चीज़ नहीं है बिकॉज़ इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी बहुत ही सॉफ्ट सा टेस्ट होता है कोई पंजेंट या कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट इसमें नहीं होता है इसलिए हम इसमें और कोई गर्म मसाले भी ऐड नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया है थिक स्लाइस किया हुआ अनियंस अनियन्स अनियंस को हम हल्का हल्का ब्राउन होने तक के पकाएंगे देखिए थोड़े थोड़े कहीं कलर आया है ब्राउन सा बस उससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है इस स्टेज पर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमें अच्छे से भूनना है ये देखिए ऐसे लग रहा है उसका ऑयल जो है उसका बटर सेपरेट हो गया है ना हम इसमें जो है वो टमाटर ऐड कर लेंगे अगेन टमाटोज़ को हमने थिक स्लाइस किया हुआ है आ, इसके भी अच्छे से भूनना है और उसके पहले हम इसमें चिलीज़ डाल देंगे देखिए इसमें मैंने आ, दो तीन काश्मीरी मिर्च ले ली है एंड बाकी जो है वो आ, तीखी वाली चिली है नेक्स्ट इसमें जा रहे हैं काजू Uh, बारह तेरह काजू दस काजू दैट्स फाइन बट मैंने यहाँ ट्वेल्व कैचूज ले हुए हैं अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ ये अगेन जो मैंने अभी पाउडर डाला है वो ऑप्शनल है अगर आपको नहीं डालना है तो जितनी मिर्चें मैंने डाली हैं खड़ी मिर्चें उतने में भी वो तीखा हो जाएगा नेक्स्ट uh, मैं इसमें काश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ दिस इज़ ऑब्वियसली ओनली फॉर कलर इसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होता है तीखापन Uh, इसमें नेक्स्ट जा रही है कसूरी मेथी कसूरी मेथी अगेन द मेन टेस्ट जो है हमें इसमें कसूरी मेथी का ही आता है डोंट स्किप कसूरी मेथी उसे ज़रूर डालिए अब इसे हम अच्छे से भून के uh, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है से अराउंड हाफ ग्लास ऑफ वाटर आधा ग्लास पानी डाल के मिक्स कीजिए और इसे ढाक के रख दीजिए पकने के लिए तब तक जब तक सारा ऑयल बटर जो है वो सेपरेट uh, ना हो जाए हमारे मिक्सचर से तो अब थोड़ी देर के बाद हम इसे देख लेते हैं आई थिंक दस मिनट लगे मुझे इतना उसे ये कंसिस्टेंसी तक आने के लिए ये देखिए ये देखिए अब इसका ऑयल जो है इसका बटर जो है वो सारा अलग हो गया है और जो मैंने आधा ग्लास पानी डाला था वो भी पूरा ड्राई हो गया है ये कम्प्लीटली कुक हो चुका है अब हम इसे स्टफ बन करके ठंडा होने रख देंगे ये देखिए अब कम्प्लीटली कूल डाउन हो गया है अब मैं इसे अपने ब्लेंडिंग जार में डाल के जितना मैक्सिमम ये फाइन हो सकता है उतना फ़ाइन हम इसे ब्लेंड कर लेंगे अगर मान लीजिए ज़्यादा फाइन नहीं भी होता है तो भी कोई इशू नहीं है हम इवेंचुअली इसे छान लेंगे अब मैं आपको दिखाती हूँ स्पून से कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कैसी हो गई है ये देखिए देखिए अब देखने में तो ये लग रहा है कि काफ़ी काफ़ी स्मूद हो गया है बट स्टिल भले से अगर आपको लगे कि ये बहुत स्मूद है फिर भी जो है एक बार इसे छान लीजिए बिकॉज जो टेक्सचर uh, है फाइनल ग्रेवी का वो छानने uh, से ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है ये ग्रेवी काफ़ी थिक होती है तो आप आधा से एक गिलास पानी डाल के इसे छान लीजिए ये देखिए कितना फाइन लग रहा था लेकिन फिर भी इसमें थोड़े ग्रेन्स हैं वो बेसिकली टमेटो के सीड्स होंगे तो वो अब अलग हो गए ये देखिए अब ये कितना ज़्यादा स्मूद एंड सिल्की लग रहा है दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट अब अगेन हम अपने पैन में थोड़ा बटर ऐड कर लेंगे मतलब ज़्यादा नहीं डाला है अब की बार मैंने जो लोग डाइट कॉन्शियस आई मीन डाइट कॉन्शियस तो हम नहीं हो सकते हैं बटर चिकन खाते हुए बट स्टिल अब बटर डालने के बाद में हम इसमें जो हमारी ग्रेवी तैयार हुई है हम उसे ऐड कर लेंगे अब ग्रेवी डालते ही थोड़ा सा आप ध्यान रखिए अपने हाथ का बिकॉज़ ये काफ़ी स्प्लैटर होती है यहाँ वहाँ सो so, आज आप चाहिए तो थोड़ी लो साइड पर रख सकते हैं नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे थोड़ा सा ही चाहिए होता है बट वी नीड शुगर शुगर को भी आप प्लीज़ स्किप मत कीजिए वरना फ़ाइनल टेस्ट जो है वो वैसा नहीं होगा uh, उसके बाद हम इसमें सॉल्ट डाल लेते हैं अच्छा शुगर की जगह आप थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं से हाफ़ टी स्पून हनी विल ऑल्सो डू द सेम जॉब अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम से तीन से चार मिनट पकने रखेंगे पर उसके पहले हम इसमें क्रीम डाल लेते हैं अभी हम इसमें सिर्फ तीन टेबल स्पून डालेंगे क्रीम और आई थिंक दैट इज़ इनफ फिर बाद में भी ऊपर से डालते ही हैं मिक्स करके वी लेट इट कुक फॉर थ्री टू फोर मिनट्स ढाक के पकाइए बिकॉज़ वो काफ़ी उड़ता है न तीन से चार मिनट के बाद देखिए पता ही चल रहा है कि वो काफ़ी उड़ा है देखिए ढक्कन पर हाँ अब ये जो है ग्रेवी इज़ कम्प्लीटली कुड अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे इसे मिक्स कीजिए एंड अगेन चिकन डालने के बाद में अराउंड फाइव टू सेवन मिनट्स अगेन हमें इसको कुक करना होगा फ़ाइव टू सेवन मिनट्स वो अच्छे से ग्रेवी एंड चिकन सब आ, अच्छे से साथ में कुक हो जाएगी अब हम इसे स्मोक कर लेते हैं कोयले के ऊपर थोड़ा सा आप घी डालिए और इसे फौरन ही ढक्कन लगा दीजिए ताकि जितना स्मोक है वो ज़रा भी एस्केप ना हो पाए ये देखें कितनी तेज़ी से स्मोक आ रहा है हाँ ना डन माशा इट लुक्स सो प्रटी ये जो स्मोक करते हैं ना इसके वजह से क्या खुशबू आ रही है घर में आई टलियो सारे बच्चे पूछ रहे हैं ममा तैयार हुआ है कि नहीं अब हमारी ग्रेवी जो है कम्प्लीटली रेडी है इसे आप डिश आउट कीजिए एंड घर वालों को खिलाइए एम श्योर ये रेसिपी जो ये जो सालन हमारा बटर चिकन तैयार हुआ है वो सबको बहुत पसंद आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे बताइए कि ये कैसी बनी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई रेसिपीज़ एंड फिर मिलते हैं इन अगली बार एक अगली बेहतरीन रेसिपी के साथ टिल देन अल्लाह हाफ